कैसा था आपका वीकेंड दोस्तों? जी हाँ, इस हफ्ते की पहली टेक न्यूज कर रहे हैं। वैसे आईपीएल फाइनल्स देखा आपने? मैं तो बैक कर रहा था राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन गुजरात जीत गई है। वैसे आप में से किसको सपोर्ट कर रहे थे, आरआर या जीटी? खुश हुए नहीं हुए, क्या लगा जरूर बताएगा। चलिए चालू करते हैं खबरें, बहुत सारी खबरें, इंटरेस्टिंग खबरें दोस्तों, ध्यान से एंड तक देखिए, डू नॉट मिस टुडेज टेक न्यूज, इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं। वैसे बोल दो दोस्तों, सबसे पहले तो व्हाट्सएप के बारे में हमेशा बात करते हैं, आज टेलीग्राम के बारे में कुछ खबर आई हुई है। एक तो प्रीमियम पेड अकाउंट्स लेके आने वाले हैं, और जब प्रीमियम पेड अकाउंट आप लोगे तो बेसिकली आपको एक बैज मिलने वाला है, जैसे ट्विटर के ऊपर ब्लू बैज होता है वैसे ही कुछ मिलेगा, एक्सक्लूसिव स्टिकर्स वगैरह मिलेंगे, एक्सक्लूसिव फीचर्स आने वाले। वैसे एक बात तो है, जो अपलोड होने वाला है क्लाउड अपलोड, उनका जो बैकअप होता है वो सबके लिए वैसे ही है, अनलिमिटेड, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी चार्ज। वैसे दोस्तों आज का जो वीडियो हमने अपलोड किया है वो है जो 2022 के सेकेंड हाफ में टेक हमें देखने को मिलने वाला है स्मार्टफोन्स के ऊपर, उसके ऊपर वीडियो किया हुआ है, टॉप अपकमिंग टेक इन स्मार्टफोन्स इन 2022, जरूर जाके देखिएगा, आपको पता चलेगा किस टाइप के फोन्स आने वाले हैं। वैसे पोल में हमने पूछा था कि भाई आपके पास फीचर फोन है या नहीं, तो कुछ 38% लोगों ने कहा यस, एंड बाकी के लोगों ने कहा नो। 38% दैट्स अ बिग नंबर। वैसे ये जो फीचर फोन्स है वो आप इस्तेमाल भी करते हो या सिर्फ यूज किए हुए थे और रख दिए अलमारी के अंदर, जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वैसे टेक्निक अच्छी लगती है, you know what to do. All right, अगली खबर iPhone के बारे में। iPhone 14 Pro models में दोस्तों always on display आ सकता है AOD on iPhones. That will be first time. Yeah, हमेशा कहीं जैसे ही Android phones के ऊपर AOD आके जमाना हो गया, अब आने वाला है, वो भी कहा जा रहा है आने वाला है, we are not sure. ये थ्रू अपडेट आएगा, थ्रू जो iOS 16 का अपडेट आने वाला है, वो भी अनाउंस नहीं हुआ है, जून 6 को अनाउंस होने वाला है WWDC में, एंड उसके थ्रू ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ये फीचर iPhone 14 Pro models में आने वाला है। वैसे दोस्तों आपको बोल दू वॉट I am excited about this. इसी WWDC में शायद नया MacBook Air, which is based on M2 chipset, ये भी आ सकता है. Now that is very exciting. वैसे दोस्तों कुछ बताना है आपको, लेकिन embargo के नीचे, इसी के बारे में पता चल जाएगा, बहुत जल्दी पता चल जाएगा। और भाई दोस्तों, पहला 3nm का जो चिपसेट होने वाला है फ्लैगशिप एंड्रॉइड के ऊपर, वो होने वाला है Exynos 2300। यस, ये जो है ये ARM के आर्किटेक्चर पे बेस्ड होने वाला है, Radeon GPU इसके अंदर आने वाला है, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देगा, एफिशिएंट ज्यादा होने वाला है। सोचिए 3nm फैब्रिकेशन आर्किटेक्चर पे होने वाला है, एब्सोल्युटली क्रेजी। ऑलरेडी 2022 में ही शायद, या फिर 2023 के स्टार्ट में हमें देखने को मिल जाएगा Samsung Galaxy S23 में, जो बेसिकली जैन में लॉन्च होती है। सो दिस ईयर वाज 4nm फ्लैगशिप, नेक्स्ट ईयर आई थिंक इज गोइंग टू बी 3nm फ्लैगशिप। Oppo Pad Air, जो Oppo का टैबलेट होने वाला है वो, एंड Oppo Reno 8 सीरीज शायद दोस्तों इसी महीने आ सकती है, बाय जून एंड और प्रोबब्ली जुलाई फर्स्ट वीक। वैसे हमारा अपकमिंग का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। ये जो दो डिवाइसेज है दोस्तों, ये बहुत सारे रूमर सोर्सेज से हमें पता चल रहा है कि आने वाले। वैसे जो पैड एयर टैबलेट है दैट इज गोइंग टू बी ऑन Qualcomm Snapdragon 680 प्रोसेसर, तो ये बजट सीरीज का होगा अराउंड 15 to 20,000। दैट भी नाइस, हमें बजट टैबलेट्स और भी होने चाहिए मेरे हिसाब से इन 15 to 25,000 प्राइस रेंज। Oppo Reno 8 जो है ये 7th Gen 1 पे आने वाला है, एंड जो प्रो होगा दोस्तों वो शायद Dimensity 8100 मैक्स इसके ऊपर हो सकता है। सो इंटरेस्टिंग, Reno 8 सीरीज बहुत जल्दी देखने को मिलेगी, कैमरास कैसे होंगे लेट्स फाइंड आउट, वेट फॉर इट, इसीलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑलराइट, OnePlus Ace रेसिंग एडिशन दोस्तों जो ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, वो इंडिया में OnePlus 10R Lite के नाम से आ सकती है। रीब्रांडिंग, रीबैजिंग, रीनेमिंग इधर भी चालू हो गया है OnePlus में। वैसे ये जो फोन है दोस्तों जो लॉन्च हुआ है, उसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं, 6.59 इंच की 120 हर्ट्ज वाली IPS LCD स्क्रीन है, AMOLED नहीं है, और ये Dimensity 8100 मैक्स इस प्रोसेसर पे आता है। सो वैसे इसका जो लॉन्च है वो शायद थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 में। चलिए Xiaomi Redmi के बारे में बात करते हैं। Redmi 11 5G जो है दोस्तों, इसके प्राइस और स्पेसिफिकेशंस बाहर आ गए, नाउ टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जैसे मैं हमेशा कहता हूं, क्योंकि दीज आर नॉट कंफर्म्ड। 6.58 इंच की 90 हर्ट्ज की IPS LCD स्क्रीन आने वाली है, ऑब्वियसली बजट सीरीज का है, एंड ये Dimensity 700, ये बहुत पुराना प्रोसेसर है वैसे, Dimensity 700 पे आने वाला है। सो या Redmi 11, याद रखिए जो ये नोट नहीं है, विदाउट नोट वाली सीरीज होती है वो जनरली थोड़ी चीप होती है, बट अभी भी हम 11 सीरीज पे ही है, नोट 11, Redmi 11, 12 कब आने वाला है देखते हैं, टाइम है। वैसे दोस्तों ये बजट का होने वाला है, लेकिन Xiaomi का जो पैड 6 होने वाला है, जी हाँ, अब Mi Pad 5 से Xiaomi Pad 6 होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी सक्सेसर। ये फ्लैगशिप लेवल का होगा क्योंकि इसमें 8 प्लस जेन 1
A1 ये प्रोसेसर होने वाला है, 5G है, टॉप ऑफ द लाइन डिस्प्ले भी होने वाला है, सो ओवरऑल फ्लैगशिप लेवल का होगा। और उसकी वजह से कहा जा रहा है कि Xiaomi Pad 6, 6th जनरेशन ऑफ मी पैड जो है वो बेसिकली महंगा होने वाला है। दैट्स व्हाट इट इज गोइंग टू बी एक्सपेंसिव एंड इट इज गोइंग टू बी फ्लैगशिप। सभी टैबलेट लॉन्च कर रहे हैं हर एक प्राइस रेंज में, एंड दैट इज गुड फॉर अस। और सबसे महंगे से सबसे सस्ते पे जाते हैं, रियलमी का सबसे सस्ता जो फोन होने वाला है वो है रियलमी C30 जो बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। यस, एंड इट इज गोइंग टू बी अंडर 7,000 रुपीज, 7,000 के नीचे ये लॉन्च होने वाला है। कहा जा रहा है कि यूनिसॉक प्रोसेसर होगा इसके अंदर, एंड शायद 3GB 32GB वाला वेरिएंट आ जाएगा जो 7,000 के नीचे 6999 में होगा। इंटरेस्टिंग, ये आजकल बहुत रेयर हो गए हैं 7,000 के नीचे वाले फोन, इनफैक्ट लॉन्च ही नहीं हुए पिछले 6-8 महीने में। याद है कोई लॉन्च हुआ है 7,000 के नीचे? नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऑलराइट, रियलमी नियो जीटी, नहीं रियलमी जीटी नियो 3T, ये जो है ना दोस्त, रियलमी जीटी नियो 3T, यार ये कितने बड़े बड़े नाम देते हैं। एनीवेज, ये बहुत जल्दी, इनफैक्ट इंडोनेशिया पहले June 7th को लॉन्च होने वाला है, ग्लोबल या इंडोनेशिया में लॉन्च हो जाएगा, उसके बाद में इंडिया में आने वाला है। ये याद रखिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 इस प्रोसेसर पे है, 6GB RAM, 8GB RAM, ऐसे अलग अलग वेरिएंट्स वगैरह होने वाले हैं। 120Hz एमोलेड स्क्रीन है, 64MP ट्रिपल कैमरा सेटअप है। सो रियलमी जीटी नियो 3T बहुत जल्दी आ रहा है, इतना मैं जरूर कहूंगा। वैसे दोस्तों आज का हमारा ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 1356 होता है खत्म इधर ही। अगर अच्छा लगा लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं है वो कर दीजिएगा, शेयरिंग करना आपके हाथ में, रिमाइंड करना मेरे हाथ में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।